क्या पाकिस्तान के खिलाफ बोलना चाहते हैं, आतंकवाद के खिलाफ बोलना चाहते हैं? जो घटना कश्मीर में हुई है बहुत दुखद घटना हुई है। कश्मीर की घटना ने पूरे देश में दुख पैदा किया है और वहीं दुख के साथ साथ लोगों के अंदर, आम नागरिक लोगों के अंदर गुस्सा है। आज शहीद परिवार से मिलने का मौका मिला, उनकी माँ, उनके पत्नी, बच्चे, भाई, पिताजी सभी भावुक हैं और वो अभी भी यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि उनके बेटे कैसे शहीद हो गया। दुख बड़ा है और उनके जीवन का ये दुख कभी नहीं जाएगा। हम लोग केवल दुख बांट सकते हैं इस समय पर, उन्हें मिल करके उनका दुख और उनका जो गम है थोड़ा बांट सकते हैं। लेकिन दुखी परिवार है, वहीं उनके अंदर गुस्सा भी है कि आखिरकार ये घटना कैसे हो गई। जब सरकार पिछले 5 साल से इतना कह करके हर मंच से ये बात कह रही है कि वो आतंकवाद को खत्म कर देंगे, लेकिन आखिरकार सीमा उन्हीं के पास है। क्या कारण है कि सीमा से लोग आ रहे हैं और आतंकवाद फैल रहा है, या ऐसी घटना कर करके अभी जानकारी नहीं पता लगी है कि अच्छी सच्चाई क्या है। एक गाड़ी आती है, पूरे कॉन्वॉय में जो गाड़ी चल रही है एक गाड़ी से टकरा जाती है और सब की सब जान चली जाती है। जो उनका शरीर या जो आना चाहिए था वो भी शायद कुछ नहीं आया उसमें, तो इसी से अंदाजा लगा सकते हो घटना कैसी हुई होगी। इतने बड़े पैमाने पर सामग्री आना, ये सरकार के ऊपर प्रश्न लग रहा है। और केवल प्रश्न हम नहीं लगा रहे हैं, आम लोग इस बात का सवाल पूछना चाहते हैं, आखिरकार ये घटना कैसे हुई ये सरकार बताए। ये तभी सभी नौजवान गरीब परिवार के शहीद हुए हैं। कोई किसान का बेटा है, अजीत कुमार आजाद, ये आपके बीच का ही है, उन्नाव का नौजवान, और भी जितने शहीद हुए हैं सभी गरीब परिवार के लोग हैं। सरकार उनका सहारा बने और सरकार के जो लोग हैं, जो वादा किया है उन्होंने, अगर उनको सम्मान देने का जो वादा किया है सरकार ने, वो सम्मान पूरा करें, वादा पूरा करें। क्योंकि उस परिवार का यही सम्मान हो सकता है। बात कही है और मई के आखिरी सप्ताह में भी मन की बात कहने की बात कही है। मैंने अस्वस्थ दिख रहा है अपनी सरकार को लेकर। मैंने अभी कहा आपसे कि शहीद परिवारों का सम्मान होना चाहिए और जब कई प्रदेश सरकारें 1 करोड़ रुपए से मदद कर रही है, कई प्रदेश सरकारों ने अपने जवानों की और उनके परिवारों की 1-1 करोड़ की मदद की है, तो उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र की सरकार को भी 1-1 करोड़ रुपए देकर के परिवारों की मदद करनी चाहिए। ये जिम्मेदारी सरकारों की है। ये जो लोग कह रहे हैं कि लोग उन्हें भरोसा है कि उनकी सरकार आ रही है, जो मंचों से चिल्ला ले रहे हैं, और ये जमाना जो मार्केटिंग का है और ब्रांडिंग का है, आम लोग इस बात को समझ गए हैं कि मार्केटिंग और ब्रांडिंग से काम नहीं चलेगा, कुछ ठोस काम, कुछ ठोस फैसले लेकर के ही काम चलेगा। 13 पॉइंट रोस्टर पे कुछ बोलेंगे? हम ये कहना चाहते हैं कि 13 पॉइंट रोस्टर जो बनाया है वो 2 शपथ लेने वालों ने बनाया है। हमने और आपने समझा ही नहीं, जनता समझ ही नहीं पाई, जनता समझ ही नहीं पाई कि आखिरकार किन लोगों को सत्ता में बैठाया जा रहा है। वो 2 शपथ लिए बैठे हैं और 2 शपथ लेने वालों ने सभी संस्थाओं को बर्बाद कर दिया। जो वाइस चांसलर अपॉइंटेड हैं, जो गवर्नर अपॉइंटेड हैं, वो 2 शपथ वाले लोग हैं। आप उनसे कैसे उम्मीद करोगे कि आपका 13 पॉइंट रोस्टर सिस्टम को बेहतर करेंगे? एक सवाल है, आतंकवाद के मुद्दे पर आप लोगों ने कहा था कि पूरा विपक्ष एक है, सरकार के साथ है, अब क्या कारण है कि तमाम सारी कमियां निकाल के आप लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं? हम आज भी कह रहे हैं कि पूरा विपक्ष एक साथ है, साथ ही साथ जो आप सबक सिखाना चाहते हैं पाकिस्तान को, लेकिन ये सरकार न भूले कि चीन भी उसके साथ है। तो केवल चुनाव के समय पर आप कुछ ऐसा कर दें,
इसलिए हमारा मानना है कि अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए, भारत को मजबूत करने के लिए आपके पास लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी होनी चाहिए। सर इसके आगे लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी नहीं होगी तो आप पाकिस्तान जैसी ताकत का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। अभी आपने नहीं देखा, आपके चैनलों ने दिखाया, आपके अखबारों ने छापा, एक क्राउन प्रिंस आए, वो पहले पाकिस्तान में मिले, पाकिस्तान को कुछ मदद की, फिर भारत में आए और भारत के प्रधानमंत्री जी से गले मिले, भारत की मदद की और उसके बाद चीन चले गए, चीन की भी मदद कर दी। तो आज के समय पर आस पास के जो देश हैं उनकी भूमिका क्या होगी? इसलिए सरकार को कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। जो सरकार कह रही है दूसरों को, विपक्षी लोगों को, के मिलावट के लोग हैं, लेकिन 5 साल का कार्यकाल अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा मिलावटी अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। दो बांदा में जो बच्चे जिनकी जान गई है, जिस दिन अपहरण हुआ था उसी दिन मैंने चित्रकूट के कप्तान से बात की थी और कप्तान ने मुझे आश्वासन दिलाया था कि हालांकि घटना मध्य प्रदेश में हो गई है, हम इसका पूरा परिवार का सहयोग और मदद करेंगे। हम उन्हीं पुलिस वालों से पूछना चाहते हैं कि हम यही पुलिस वालों से पूछना चाहते हैं, उन्हीं अधिकारियों से, ये बताओ आपने आश्वासन दिया था कि वो जिंदा बच्चे लौट करके आएंगे, लेकिन उनकी जान चली गई। अब वो कह रहे हैं कि दूसरे प्रदेश का मामला है, उनकी डेड बॉडी तो मिली है उत्तर प्रदेश में। अब बांदा पुलिस को, चित्रकूट पुलिस को और दोनों सरकारें, दिल्ली की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार को जवाब देना चाहिए कि आखिरकार उस माँ बेटे के दोनों जुर्मा बच्चों की जान कैसे चली गई। मुद्दे नहीं भूल रहे हैं हम, मुद्दे जनता पर हैं और जनता जानती है कि बोरी में से 5 किलो निकाला गया है। जनता जानती है कि प्रधानमंत्री जी ने चिल्ला के यही शाहजहापुर में कहा था MSP दे देंगे, क्या मिला है MSP में? अध्यक्ष जी सपा बसपा एलायंस कितनी सीटें लाने वाला है? अध्यक्ष जी यूपी में पार्टी की साइकिल को वोट करेंगे।